खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। हालात प्रदेश में यह है कि बेटे के पैदा होने से लेकर उसकी मृत्यु तक एक साया हमेशा उसके इर्द गिर्द घूमता है। एक डर हमेशा उसके दिल में रहता है कि क्या वो सुरक्षित है, क्या उसकी आबरू सुरक्षित है, क्योंकि मासूम बच्ची से लेकर बुजुर्ग तक हैवानियत का शिकार हो चुके हैं और हर दिन होती है। लेकिन क्या कानून इन हैवानों को कठोर सजा दे बाकियों के जहन में डर पैदा कर पाता है? ये सवाल हमेशा से ही कंफ्यूजन पैदा करता आया, क्योंकि हर दिन 30 से ज्यादा महिलाएं दुष्कर्म का शिकार होती हैं, जिनमें मासूम बेटियां भी शामिल होती हैं। ऐसे में क्या पोक्सो की कार्रवाई और पोक्सो कोर्ट के कठोर फैसले बच्चियों को दरिंदों का शिकार होने से बचा पा रही है? आज बात इस मुद्दे पर कि उन कलंक को मिटाना जरूरी है जो बच्चियों के लिए हैवान बन चुके हैं। कलंक को मिटाने का काम पोक्सो कोर्ट यकीनन अच्छे से कर रहा है और ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा भी सुना रहा है, लगातार सुना रहा है। सबसे पहले आपको कुछ ऐसे ही फैसले दिखाते हैं जिनमें पोक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। 21 जुलाई 2018 SC ST स्पेशल कोर्ट अलवर ने सजा सुनाई। 7 महीने के मासूम के साथ दुष्कर्म पर फांसी की सजा सुनाई गई। तारीख 6 अगस्त 2018। पोक्सो कोर्ट बाड़मेर ने सजा सुनाई। 15 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला था। दोषी घेवर सिंह और श्रवण सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। तारीख 17 मार्च 2021। पोक्सो कोर्ट झुंझुनू में सुनवाई हुई और झुंझुनू ने सजा सुनाई। 5 साल की मासूम से दुष्कर्म पर सुनील कुमार को फांसी की सजा सुनाई गई। 27 सितंबर 2021 पोक्सो कोर्ट सिरोही ने सजा सुनाई। 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला था। कोर्ट ने नोकराम उर्फ धर्मा को फांसी की सजा दे दी। तारीख थी 22 अक्टूबर 2021। पोक्सो कोर्ट मेड़ता शहर ने सजा सुनाई। 7 साल के मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी और दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई। तारीख 26 अक्टूबर 2021। पोक्सो कोर्ट अजमेर प्रथम ने सजा सुनाई। 11 वर्षीय मासूम की दुष्कर्म और हत्या का मामला था। दोषी सुंदर और संतु को कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी। तारीख थी 8 फरवरी 2022। पोक्सो कोर्ट जयपुर ने सजा सुनाई। 4 साल के मासूम से दुष्कर्म पर सुरेश को फांसी की सजा सुनाई गई। और 29 अप्रैल 2022 पोक्सो कोर्ट बूंदी ने आज फांसी की सजा सुनाई है। 15 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या पर 2 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई। इससे जुड़ा ही पूरा केस हम आपको सबसे पहले समझाते हैं कि बूंदी में जिन दरिंदों को फांसी की सजा सुनाई गई है उनको किस तरीके से पुलिस ने पकड़ा। पोक्सो कोर्ट ने पहली बार 2 रेपिस्ट को फांसी की सजा और पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ एक ही केस में 2 रेपिस्ट को फांसी की सजा सुनाई गई। न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने दोषियों को सजा सुनाई है। दरअसल 15 साल के बच्ची से दुष्कर्म और हत्या का यह मामला है। लाश पर 19 जगह काटने के निशान मिले थे, जरा सोचिए, नाखूनों के निशान मिले। बच्ची को काटा गया, नाखूनों से नोचा गया, चुन्नी से गले को दबाया गया और बच्ची की हत्या के बाद भी ये हवान रुके नहीं और दुष्कर्म करते रहे। अब सोचिए कौन थे इनमें से। एक 27 साल का सुल्तान भील था जो नौजवान था और दूसरा 62 साल का छोटू लाल था जो बुजुर्ग था। सोचिए उसकी पोती की उम्र की ये बच्ची रही होगी। कोर्ट दोषियों पर 1,20,000 का जुर्माना भी लगा चुकी है। 23 दिसंबर 2021 को बच्ची के साथ यह हैवानियत हुई थी और पुलिस ने सिर्फ 14 दिन में कोर्ट में पेश कर चालान दिया था और पुलिस ने कोर्ट में कुल 100 पन्नों की चार्जशीट पेश की। 10 थानों की पुलिस ने महज 12 घंटे में दरिंदों को पकड़ा और आज दोनों को फांसी की सजा सुना दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तरीके से फांसी की सजा सुनाने के बाद डर बचा हुआ है किसी के जहन में, या फिर पोक्सो कोर्ट फांसी की सजा सुनाती है और फिर आगे ये केस चलता रहता है और कभी फांसी होती नहीं?
क्योंकि जितने भी केस मैंने आपको गिनाए जिनमें फांसी की सजा हुई, किसी को फांसी पर आज तक लटकाया नहीं गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ अधिवक्ता ए के जैन साहब, पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता महावीर सिंह किसनावत जी, पोक्सो मामलात की अधिवक्ता सुप्रिया सक्सेना जी और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी अनिल गोटवाल जी हमारे साथ हैं। सुप्रिया सक्सेना जी, सबसे पहले मैम आपके साथ चर्चा को शुरू करना चाहूंगा। मैंने दर्जनों मामले गिनाए जिनमें पोक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है, क्या इन दर्जनों मामले में से एक भी मामला ऐसा जिसपे इन दरिंदों को फांसी पर लटका दिया गया हो? देखिए, अभी तक फांसी पे तो नहीं लटकाया गया है, लेकिन वंस द सेंटेंस हैज बीन मेड तो आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अक्यूज्ड की भी राइट होती है, राइट टू अपील, तो अपील भी होती है, वो उस पर पूरी चर्चा भी होगी, वहाँ पे जजेस सुनेंगे भी, और उसके बाद फाइनली द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ विल बी मेड। जी, तो इतना टाइम तो आपको फॉर द राइट ऑफ अक्यूज देना ही पड़ेगा। जो कि मैं हमेशा से मैं समझना चाहता हूं इस एंगल को, और जब भी इस तरीके की डिबेट होती है हमेशा मेरे जहन में सवाल होता है कि जब एक जज 5 महीने 6 महीने हियरिंग करने के बाद, 2 साल हियरिंग करने के बाद किसी को फांसी की सजा सुनाता है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर पोक्सो कोर्ट हो, तो मैं मानकर चलता हूं कि वो सबूतों के आधार पर फांसी की सजा और उस केस की स्टडी के बाद फांसी की सजा देता होगा, क्या उस वक्त भी एरर और जजमेंट बच जाता है कि अपर कोर्ट तक हमें जाना पड़ता है? देखिए, जो क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस बेस्ड है ये मानता है कि जजेस आर आल्सो ह्यूमन, हो सकता है उन्होंने कोई चीज़ नज़रअंदाज कर दी हो सकता है उन्होंने कोई चीज़ को गलत समझ लिया हो सकता है दोनों पक्षों में से कोई अपनी बात रख नहीं पाया हो या किसी ने झूठे तरीके से रखी हो, इस वजह से राइट ऑफ अक्यूज जो कि क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए ये राइट टू अपील्स एंड आगे कम्यूटेशन ये सारी रेमेडीज दे रखी हैं अक्यूज को, इसलिए इतना टाइम फॉर द राइट ऑफ अक्यूज आपको देना ही पड़ेगा। No matter how heinous the crime is. ठीक है, एक जैन साहब, जिनको भी फांसी की सजा सुनाई गई है सर, उनमें से ये मानकर चलें कि ज्यादातर हो सकता है जमानत पर भी हो और ज्यादातर ने आगे अपील की हो, तभी तो उनको अभी तक फांसी नहीं हुई। विजेंद्र जी, आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले बूंदी वाले प्रकरण के बारे में ही मैं बात करना चाहूंगा। आपने बूंदी प्रकरण के बहुत सारे फैक्ट्स बता दिए सर जी, पर एक फैक्ट शायद आपकी नॉलेज में नहीं था कि बूंदी के नौजवान एसपी जय सिंह यादव ने सारी रात खुद ड्यूटी करके 12 घंटे के अंदर 10 थानों की पुलिस लगाकर इन तीन, इसमें 2 आरोपी नहीं है 3 आरोपी हैं, तीनों आरोपियों को पकड़ा था। यदि एसपी जय सिंह यादव इतने सेंसिटिव नहीं होते और इतनी कोशिश नहीं करते, क्योंकि ये बच्ची जिसका बलात्कार और हत्या हुई है ये 16 वर्ष की आदिवासी लड़की है जिसके माँ बाप तक नहीं है, और जिस जंगल में ये हत्या हुई है वहाँ पर लोगों का आना जाना भी धूबर होता है। तो सबसे पहले यदि इस काम के लिए किसी आदमी को बधाई मिलनी चाहिए, साधुवाद मिलना चाहिए, तो वो बूंदी पुलिस के साथ साथ बूंदी के नौजवान एसपी जय सिंह यादव है। और राजस्थान की पुलिस यदि इसी तरह काम करती रहे तो निश्चित रूप से कई उदाहरण होंगे। दूसरी चीज, ये पहली घटना है जिसमें कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं था, उन्होंने वैज्ञानिक आधार पर अनुसंधान किया है 14 दिन के अंदर अंदर, और वैज्ञानिक आधार पर ही इस मामले को मृत्यु दंड तक पहुंचाया है। वैज्ञानिक आधार का मतलब मैं मानूं कि बच्ची के शरीर से जो निशान मिले होंगे, निशान मिले, डीएनए लिए हैं, उसको जो एक्यूज से जो मिला, और इसमें तीसरा आरोपी नाबालिग लड़का है, ये राजस्थान का निर्भया केस कहे जाए तो कम नहीं है। दूसरी बधाई, महावीर सिंह जी कृष्णावत मौजूद हैं, इन्हें दी जानी चाहिए, इन्होंने जीवाणु के मामले में इतने अच्छे से पैरवी की तो उसको इतनी जल्दी सजा हुई, और दूसरे इस मामले में इन्होंने बूंदी जाकर इतने अच्छे से पैरवी की कि ये फांसी के अंजाम तक ले गए। इन दो आदमियों को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ। अब दूसरी बात, आपने कही थी कि फांसी की सजा क्यों नहीं हो पाती, फांसी की सजा के बारे में ज्यूरिसप्रूडेंस का सिद्धांत है कि ये एक ऐसी सजा है जिसे गलती पता लगने पर वापस नहीं लौटाया जा सकता, और इसीलिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि जो जज साहब जिन्होंने फांसी दी है उन्होंने अपना काम कर दिया, पर फांसी का रेफरेंस अगर एक्यूज अपील नहीं भी करे तो फांसी का रेफरेंस
फांसी की सजा का रेफरेंस हाई कोर्ट में होता है, हाई कोर्ट फिर मुलजिम को सुनने का मौका देती है, मुलजिम के पास वकील नहीं हो तो उसे वकील उपलब्ध कराएगी, और जब हाई कोर्ट रेफर तय कर देगा तब ये फांसी की सजा कन्फर्म होगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का राइट है। ये अकेली ऐसी सजा है जिसमें SLP एडमिट करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, और उसके बाद राइट टू क्लीमेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट है, जहाँ 8-8, 10-10 साल तक मामले पड़े रहते हैं। परंतु ये एक ऐसा मामला है कि जिसमें यदि इसमें चलिए मान लेते हैं कि फांसी की सजा नहीं होती लेकिन जमानत तो होती है। देखिए सामान्यतः जिन मामलों में फांसी की सजा होती है उनमें जमानत नहीं होती है जी। फांसी की सजा प्राप्त जो एक्यूज होता है उसको जेल में भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में ही रखा जाता है, तो इसलिए ये जो जनरल हवा है कि फांसी के मामलों में भी सब जमानत हो जाती है बिल्कुल गलत है। फांसी के मामलों में सजा याफ्ता लोग या तो बरी होते हैं जमानत पर नहीं। जितने भी मैंने केस गिनाए हैं जिनको भी फांसी की सजा हुई है उनमें से कोई जेल के बाहर नहीं, निश्चित रूप से कोई भी जेल के बाहर नहीं होगा, या तो वो बरी होगा उसकी सजा यानी वो बरी हो जाएगा तब वो जेल से बाहर आएगा अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है अनिल कोटवाल जी, सर इस तरीके के केस में पुलिस के सामने चुनौती क्या कुछ होती है, और जिस तरीके से इस केस को सोल्व किया गया, मैं बूंदी केस की बात कर रहा हूँ, क्या वाकई में पुलिस ने एक नजीर सेट की है कि अगर गवाह नहीं होगा चश्मदीद नहीं होगा तो भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा अगर पुलिस ठान ले तो? बिल्कुल सही कहा आपने, राजस्थान पुलिस के अंदर जो एक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की स्थापना प्रत्येक ज़िले के अंदर की गई है, तो पहले इस तरह की सुविधा हर ज़िले में नहीं हुआ करती थी, अब वो हो गई है। पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो कोर्ट खुल गए हैं, और एक ट्रेनिंग विशेष तौर से राजस्थान पुलिस ने चलाई है कि इस तरह के केसेज से कैसे डील करना चाहिए। तो एक तो देखिए कि इन्वेस्टिगेशन के जो घटना स्थल है उसके ऊपर ही आजकल जो भी वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित करने के लिए उनको बुला लिया जाता है, और वो उसको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सपोर्ट करते हैं, और क्या क्या उसमें सावधानियां बरतनी चाहिए इसके बारे में भी अब राजस्थान पुलिस को एक स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स चलाया है। तो ये जो पिछले दिनों ड्राइव चला है और एक सरकार की इच्छा शक्ति दी है कि इन केसेस के अंदर केस स्टडी के आधार के ऊपर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया जाए, उसका प्रोसिक्यूशन तक बयान वगैरह किए जाएं, और जो भी साक्ष्य सबूत है वो वहाँ कोर्ट के अंदर प्रस्तुत किए जाएं ताकि उसके आधार पर, ये तो साइंटिफिक है। इसके साथ साथ कभी सरकम इंस्टेंशियल एविडेंस के आधार के ऊपर भी फांसी की सजा हुई है, ये राजस्थान पुलिस के अंदर भी हुआ है। एक बहुत पुराना शंकरिया वाला कांड है जिसके अंदर सिर्फ थंब इम्प्रेशन के ऊपर उसका फांसी की सजा हुई है। तो ये इस तरह की एविडेंस जब मिल जाती है और उसको कलेक्ट कर लेता है IO, तो ये और दूसरा कोर्ट के अंदर शीघ्रातिशीघ्र चालान पेश करने की अब जो IO को सुविधा मिली है उसका भी एक कारण रहा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि राजस्थान पुलिस में अच्छे अफसर है, जैसा अभी वकील साहब भी बता रहे थे कि SP को धन्यवाद है, तो ये यूथ जो अफसर हैं वो इसके अंदर आगे आके और काफ़ी पेन लेके जो कार्य कर रहे हैं ये एक मील का पत्थर साबित होंगे, और इस तरह की सजा से और जो आज इस पैनल पे डिस्कशन हुआ है उसके आधार पे अपराध को रोकने में भी हमें सहायता मिलेगी। इसकी पब्लिसिटी हुई है कि ये इस तरह की फांसी की सजा होना शुरू हो गई है, तो मैं कहीं ना कहीं ये समझता हूँ और आपको साधुवाद भी देता हूँ कि इसके ऊपर पैनल डिस्कशन हो रहा है और ये आने वाले समय में इस प्रकार के अपराधों की कमी आएगी। ठीक है सर, हमारे साथ पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता महावीर सिंह किसनावत जी भी जुड़े हैं। महावीर जी सबसे पहले तो शुक्रिया भी कह रहे हैं सर, और आपको शुभकामनाएं भी दे रहे हैं इस केस के लिए, जिस तरीके से आपने पैरवी की और आरोपियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने का पॉक्सो कोर्ट में काम किया। सर कितना मुश्किल रहा था इस तरीके के केस में सजा दिलाना, फांसी तक पहुंचाना? महावीर जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए वापस उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बेहद खास पैनल लगातार हमारे साथ बने हैं। सुप्रिया जी, जो पॉक्सो कोर्ट के अंदर केसेस हैं,
उनमें क्या आपको महसूस होता है अभी तक की स्टडी कुछ ऐसी कि जो बच्चियां शिकार होती हैं, क्या वो अपने जुड़े हुए लोगों से शिकार होती हैं? क्योंकि यहां देखिए 62 साल का बुजुर्ग है, उसकी पोती की उम्र की होगी। ठीक जी, देखिए पहले तो मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहती हूँ, जो पॉक्सो एक्ट बना है वो 18 साल से कम के बच्चों के लिए बना है, जेंडर उससे मतलब नहीं रखता है, दो दो जेंडर के लिए बना है। 90% केसेस तो इसी से जुड़े आते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूँ, एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। वरिष्ठ संवाददाता नरेश शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीटिंग में लगाई अफसरों की क्लास। बिजली के मामले में दो अफसरों की क्लास लगाई गई है। सीएमडी उत्पादन आर के शर्मा को मुख्यमंत्री गहलोत ने फटकार लगाई। सूरतगढ़ यूनिट में एक उपकरण से जुड़ा मामला था, 15 दिन से मामला अटका रखा था अफसरों ने। वहीं एसीएस सुबोध अग्रवाल को भी फटकार लगाई, उनकी भी क्लास लगाई गई। राजवेस्ट खनन से जुड़े मामले पर सुबोध अग्रवाल की क्लास लगाई गई। सुबोध अग्रवाल ने एक मामले पर कल दी परमिशन। मुख्यमंत्री ने कहा जब स्थिति पता थी तो ये काम पहले क्यों नहीं किया गया। मेरे सहयोगी नरेश जुड़ गए। नरेश, मुख्यमंत्री शुरू से गंभीर है बिजली संकट को लेकर, और ऐसे में अगर अफसर लापरवाही बरतेंगे और उसका खामियाजा प्रदेश को भुगतना पड़ेगा तो फटकार लगाना लाजमी है। विजन देखिए, 3 घंटे की मैराथन बैठक थी, खासकर बिजली और पानी पर मुख्यमंत्री का फोकस था, लेकिन बिजली के मामले को लेकर मुख्यमंत्री ज्यादा गंभीर थे, क्योंकि पूरे देश में जो है ये संकट है, करीब 16 राज्यों में संकट है और राजस्थान में चूंकि प्रतिकूल परिस्थिति आया है तो यहाँ ज्यादा संकट है, कटौती करनी पड़ रही है, और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने आज बैठक ली थी। लेकिन जो बिजली विभाग के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उनकी कुछ जगह की कार्यशैली को लेके मुख्यमंत्री है वो नाराज दिखाई दिए, खासकर जो सूरतगढ़ जो यूनिट है उसको लेकर, वहाँ पे जो एक छोटे से उपकरण को लेके उसको 15 दिन से मामले को लटकाया जा रहा है, उसको लेके मुख्यमंत्री ने जो सीएमडी प्रोडक्शन है उनकी क्लास लगाई जी। और साथ में एक परमिशन को लेके राजवेस्ट जो क्यों लेके सुबोध अग्रवाल एसीएस उनको भी मुख्यमंत्री ने उनकी भी क्लास लगाई, क्योंकि जो परमिशन जो कल दी गई है वो पहले भी हो सकता था। तो खासकर ये कह सकते हैं कि इसके बहाने मुख्यमंत्री ने साफ संकेत दिया है कि किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी, और जब प्रदेश में बिजली का संकट है तब अधिकारियों को गंभीरता से काम करना होगा, और जो प्रदेश की जनता जो परेशान हो रही है बिजली संकट के कारण, अगर उसमें अधिकारियों की लापरवाही पाई जाती है तो ये बिल्कुल भी सहन नहीं होगा। नरेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री ने फटकार लगाई क्योंकि जिस तरीके से कोयले का संकट राजस्थान में बना हुआ है वो अपने आप में एक समस्या, ऐसे में अगर कोई अधिकारी लापरवाही बरतता है और उसकी वजह से बिजली संकट और ज्यादा बड़ा होता है तो यकीनन मुखिया के तौर पर फटकार मुख्यमंत्री ने लगाई ताकि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन हम बात करें उन कलंक की जिनका मिटना बेहद जरूरी, क्योंकि उनकी वजह से समाज में हमारी बच्चियां महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इस पर लगातार हम बात करें। सुप्रिया सक्सेना जी, मैम सवाल मेरा यही था क्योंकि इस केस को भी अगर मैं देख रहा हूं तो एक 27 साल का आरोपी और दूसरा 62 साल का। 62 साल का मतलब जब मैं सोचता हूं तो मुझे समझ में आता है एक 16-15 साल की बच्ची तो उसके दादा की उम्र का। जी देखिए, पॉक्सो एक्ट का जो स्ट्रक्चर है, यदि कोई भी देखेगा तो वो फाइंड आउट करेगा कि हर ऑफेंस में एक एग्रेवेटेड ऑफेंस की सेक्शन दे रखी है, जिसका मतलब ये है कि कोई भी पर्सन जो अथॉरिटी में है, जो फिड्यूशरी रिलेशनशिप में है, जो किसी पुलिस अथॉरिटी, कोई हॉस्पिटल या फिर कोई एसीएच का है, उनके लिए एक स्पेसिफिक सेक्शन बना दिया गया है कि वो उसमें पनिश किए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे फिड्यूशरी रिलेशनशिप की बात आ जाती है कि अमूमन सी बात है कि 16 साल की लड़की एक 57 ईयर या 52 साल के पुरुष के लिए ऐसा कुछ गलत सोचेंगी नहीं कि वो हमारे साथ ऐसा कर भी सकते हैं, जिसका फायदा ऐसे क्रिमिनल टेंडेंसी वाले लोग उठाते हैं। तो इन सब को पनिश करने के लिए पॉक्सो में ये बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है, और जिनको एग्रेवेटेड ऑफेंसेस में काउंट किया जाता है जी। लेकिन गोटवाल जी, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि इस तरीके का जो क्राइम होता है उसमें लगभग एक ही उम्र के लोग होते हैं, चाहे वो 4-5 दोस्त हो या बाकी हो। यहाँ जरा सोचिए, एक नाबालिग है, एक 27 साल का है और एक 62 साल का है। आप ये सोचिए, 3 जनरेशन है एक साथ और वो इस क्राइम को अंजाम दे रही हैं। पुलिस के लिए क्या वाकई में चुनौती नहीं होती? क्योंकि जब आप कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं तो ये सवाल तो खटकता होगा, एक नाबालिग, एक 27 साल का, एक 62 साल का।
देखिए इसके अंदर कई परिस्थितियां हो सकती है, क्या उनकी कोई फैमिली राइवलरी रही है, क्या ऐसी परिस्थितियां हुई कि उसको उठा के लेके गए, क्या उस ऑफेंस के अंदर उनकी क्या भूमिका रही, तो ये कहना कि उसने भी इसमें बराबर की भूमिका निभाई है, ये एविडेंस में कहीं ना कहीं आया होगा। और जब भी इसको फांसी की सज़ा मिली है, मेरा ऐसा मानना है कि कभी कभी इन केसेस के अंदर एज फैक्टर कोई मायने नहीं रखता है, किसी से इस तरह की राइवलरी हो जाती है तो वो जघन्य से जघन्य अपराध भी करने को तैयार हो जाता है और एज फैक्टर उस समय नगण्य हो जाता है। तो ये मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं उसका रोल रहा है और 27 साल और 62 साल में फिर इस तरह के अपराध में कोई नहीं रहता है, वो बराबर ही माना जाता है। महावीर सिंह जी जुड़ गए हैं। महावीर सिंह जी, तीनों आरोपियों के बारे में सर बताइए, क्योंकि इनमें से एक नाबालिग का, उसको अगर छोड़ दें, उसके बारे में ज्यादा बात ना करें, बाकी दो क्या रिलेशन में थे और बच्ची को शिकार उन्होंने बनाया, किस तरीके से सब कुछ किया, क्या कोई राइवली थी, क्या कोई रंजिश थी? जी आवाज आ रही है सर, बोलिए। जो छोटे लाल मुंजिम था, जो मर्द काका रिश्ते में नाना लगता था, जी 62 साल का मुंजिम छोटे लाल मर्द काका नाना लगता था, वो ये दूसरा नाबालिग मुंजिम है, ये हमेशा साथ साथ जंगल के अंदर बकरियां चराया करते थे। जी जो घना जंगल था वहां बकरियां चराया करते थे। घटना के दिन दिनांक 23 दिसंबर 2021 को जब बच्ची बकरियां चराकर वापस घर आई और घर पर आने के बाद दोपहर बाद वो लेटरिंग के लिए बोतल लेकर घर से निकली, तो वहां पर जो नाबालिग है पहले उसने बच्ची के साथ रेप किया। जब इस बात का पता रेप करते हुए मुलजिम सुल्तान और छोटे लाल ने देख लिया कि इसने इसके साथ रेप किया है, तो उनकी भी इच्छा हो, पहले सुल्तान ने जोर जबरदस्ती रेप किया। रेप करने के बाद जब वो पुकारने के लिए छोटे लाल को रिश्ते में नाना लगता था, उसकी तरफ दौड़ने लगी, बचाव की, नाना बचाएगा मुझे। जी आवाज आ रही है सर? सर बिल्कुल आवाज आ रही है। तो नाना था उसको, उसने सोचा पीड़ित आने की नाना मेरे को बचाएगा, लेकिन नाना से जो आशा थी उसके विपरीत उल्टा किया और नाना ने भी वो घिनौनी हरकत की जो कभी ऐसे हिंदू समाज में किसी भी समाज में नहीं। उसने रेप किया तीनों ने बारी बारी से, और रेप करने के बाद हत्या की, और हत्या करने के बाद डेड बॉडी से भी रेप किया। एक जघन्य अपराध था और जघन्य। और इसमें मेन बात यह है कि इसमें तीन उम्र के लोग हैं, इसमें मुझे एक नाबालिग है, एक सुल्तान 27 साल का है, एक जो छोटे लाल है उसकी उम्र 62 साल। उस बच्ची के साथ जब रेप किया गया तो उस बच्ची के साथ क्या गुजरी होगी, उसके शरीर पर 19 चोटों के निशान है। मैंने मेरी लाइफ में जिंदगी के अंदर इतनी किसी भी रेप पीड़िता के मर्द का के शरीर पर चोटें, जब डॉक्टर साहब का बयान हुआ था तो मेरे आंखों में आंसू आए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि इस बच्ची के नाखूनों से, दांतों से 19 जगह घाव। महावीर जी जिस वक्त आप बता रहे हैं ना, यकीन कीजिए कि मैं सवाल करने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन आपको मैं सिर्फ साधुवाद दे सकता हूं कि आपने ऐसे दरिंदों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया है। सर वो फांसी पर लटक जाएं, इसके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि हमारा वो देश जहां अपराधियों के पास भी उनके राइट्स होते हैं। मैं इस मामले में बूंदी पुलिस को धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, पुलिस अधीक्षक अजय यादव जी, उनकी संपूर्ण टीम, किशोरीलाल जी, अरविंद जी भारद्वाज, राम विलास जी, सजन जी, सबको साधुवाद देता हूं कि ऐसे अपराधियों को मात्र 12 घंटे के अंदर पकड़ लिया। और मैं ये चाहता हूं कि जैसे सरकार ने इस केस में गंभीरता दिखाई है, ट्रायल कोर्ट के लिए स्पेशल पीपी अपॉइंट किया, अगर हाई कोर्ट में भी ऐसे केसों के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाए
और पुलिस की तरफ से सरकार की तरफ से प्रभावी पैरवी की जाए तो ये ऑर्डर एज इट इज रह जाएगा और मुलजिमान को जल्द से जल्द मृत्युदंड पर फांसी पर लटका दिया जाए। जी सर, आपने जो काम किया है ना वाकई में उससे अपराधियों में डर बनना चाहिए। चंद महीनों के अंदर आपने उन्हें फांसी की सजा दिलाई है, लेकिन ए के जैन साहब, सर जो इस तरीके के केस होते हैं जिसमें दूर दूर तक आपको इंसानियत नजर नहीं आती है, क्या कोई एक ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती जिसमें अगर कोई भी कोर्ट किसी को फांसी की सजा सुनाए तो उसको फांसी पर लटकने तक मिनिमम टाइम आप उसको राइट दीजिए, आप उसकी हियरिंग कीजिए, हर पैनल पर हियरिंग कीजिए, चाहे वो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, राष्ट्रपति के पास उसकी पिटीशन का जाना हो, लेकिन वो एक टाइम बाउंडेशन हो, क्योंकि ऐसे दरिंदों को हम जेल में पालकर भी करेंगे तो करेंगे क्या? देखिए इस मामले में कई बार मामले उठे हैं, सर्वोच्च न्यायालय तक ही मामले गए हैं जी, और कई बार ये इशू आया है कि कानून में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि कम से कम मृत्यु दंड के मामलों में एक निर्धारित समय में अपील, स्पेशल लीव पिटीशन और राष्ट्रपति के समक्ष जो पेंडिंग क्लीमेंसी पिटीशंस हैं उनका निस्तारण हो जाए। जी शायद आप भी इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि सर्वाधिक समय राष्ट्रपति के यहाँ लंबित दया याचिकाओं के निस्तारण में लगता है। जी न्यायालय से कई गुना समय दया याचिकाओं के निस्तारण तक में लगता है। दिल्ली बूंदी पुलिस एक्टिव थी, बूंदी के नौजवान एसपी एक्टिव थे तो उन्होंने इस प्रकरण को ध्यान देकर जल्दी से निपटवाया। यही मामला यदि हाई कोर्ट में भी रहे और सुप्रीम कोर्ट में भी रहे और उसके बाद सरकार सजग रहे, क्योंकि मूल काम अभी भी सरकार का है, सबसे ज़्यादा देरी सरकार के पार्ट पर ही होती है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट तक केस को जाना ही है और ये राइट है तो सीधा क्यों ना फांसी के केस को सुप्रीम कोर्ट में ही ले जाया जाए, बीच के सारे जो पायदान है उनको छोड़ दिया जाए। ये मेरे हिसाब से ये तर्क अतर्क ज्यादा लगता है जी, क्योंकि अगर यही बात हर केस के लिए मान ली जाए सर, मैं हर तो फिर न्यायालय की सारी अदालतों को फांसी की सजा, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में भी राजस्थान में ही ऐसे उदाहरण हुए हैं जहां रेफरेंस के अंदर, अपील की बात मैं नहीं कर रहा जी, रेफरेंस के अंदर ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को, फांसी की सजा को बदला नहीं गया बल्कि एक्विटल में कन्वर्ट किया गया है जी। तो ऐसी परिस्थिति में जहां निश्चित रूप से ये दिल दहलाने वाले वाक्य हैं, परंतु फिर भी क्योंकि फांसी अंतिम सजा है, इसके बाद आदमी जिसको फांसी दे दी वो लौट नहीं सकता, और वो भी राज्य द्वारा दी गई फांसी, तो उसके लिए उसके अधिकार सुनिश्चित करना जरूरी है जी। परंतु नहीं, लेकिन उसके लिए अगर सीधा वो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई होगी तो अधिकार सुरक्षित नहीं होंगे। देखिए निश्चित रूप से यदि सब मामलों में सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे तो मुझे लगता सर, है सब मामलों में तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। 20 आप आज आप जिस मामले, क्योंकि हर मामला अपने आप में गंभीर होता है, रेप के मामले में फांसी भी गंभीर है तो जो जला के मारने के मामले में भी फांसी की सजा गंभीर है, तो दलितों के अत्याचार के मामले में भी फांसी गंभीर है। शुक्रिया महावीर जी, आपका भी शुक्रिया, सुप्रिया जी और अनिल गोटवाल जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। एक दिल दहला देने वाली घटना राजस्थान में घटी, लेकिन आज सुकून इस बात का कि एक ऐसा फैसला आया जिसने दरिंदों को फांसी के तख्त तक पहुंचा दिया। हालांकि ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन इससे डर जरूर पैदा होगा कि अगर आप इस तरीके के जघन्य अपराध को अंजाम देंगे, अगर आप समाज में कलंक बनेंगे तो आपको मिटाना भी जरूरी है और आपका मिटना भी जरूरी है। नमस्कार।